एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, माय बेटी किचन डायरीज में आपका स्वागत है। और आज आपके साथ हम शेयर करेंगे मसालेदार आलू पूड़ी की रेसिपी। और बहुत ही जल्दी बन जाती है रेसिपी, बहुत अच्छी होती है खाने में, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और मसाला आलू पूड़ी बनाने के लिए यहाँ पर आधा किलो हमने आलू ले लिए हैं और अच्छे से हम वॉश करके बॉयल कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने एक प्याज ली है, थोड़ी सी अदरक ली है 2 इंच के करीब, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और धनिया की पत्ती ली है। इन सबको अब हम चॉप करेंगे। और यहाँ पे प्याज को चॉप कर लिया है और अदरक को भी हमने कर लिया है यहाँ पर, और यहाँ पे हरी मिर्च और धनिया की पत्ती भी चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे हमने आलूओं को बॉईल कर लिया है, तो इन्हें सबको पील कर लेंगे स्किन इनकी। तो इस तरह से आलूओं की स्किन पील कर लेते हैं सबकी। अरे आलूओं को पील ऑफ कर लिया है स्किन उनकी, और ऐसे करके अब हम मैश कर देंगे सबको। और इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, ये 1/4 टेबल स्पून समझ लीजिए। और भुना जीरा पाउडर डाल देंगे, तो ये भी 1/2 टेबल स्पून के करीब स्प्रिंकल करना है इसे। और अदरक डाल देंगे, जो अदरक हमने चॉप की थी। और हम डाल देंगे यहाँ पे धनिया और मिर्च जो हमने चॉप कर ली है, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और प्याज का सारा पानी निचोड़ के हमें डालना है, तो इस तरह से सारा पानी निचोड़ लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल देंगे इसमें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी थोड़े से गीले लग रहे हैं, तो 10 मिनट तक इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं आलू और इसका पानी जो मॉइस्चर होगा सब सूख जाएगा। तो 10 मिनट के लिए इसे हम कवर करके ढक देंगे सूखने। मसाला आलू पूरी बनाने के लिए यहाँ पे 250 ग्राम आटा ले लिया है और उसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है हमने, और यहाँ पे हमने पुदीना स्टोर करके रख लिया था तो सुखा के, तो वो हमने डाल दिया है, क्रश करके ऐसे डाल देंगे। और यहाँ पे जो हमने आलू रेडी किए थे तो वो आलू भी डाल देते हैं, और बाकी सारे मसाले तो आलू में वैसे ही पड़े हुए हैं, तो इसलिए ये आलू काफ़ी है टेस्ट के लिए। और अब इसको हम आलूओं के साथ अच्छे से गूंथ लेंगे। गूंद के अच्छे से, तो थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे इसमें, और ऑयल के साथ ऐसे करके इसको गूंद देंगे और रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट। यहाँ पे आटा रेस्ट कर चुका है 10 मिनट तक, तो इसकी लोइयाँ बना लेते हैं छोटी छोटी। इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेंगे, और कुछ यहाँ पे हमने बनाकर भी रखे हुए हैं। और अब इन पूड़ियों को हम बेल लेंगे। और सारी पूड़ियां हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे फ्राई करने के लिए हम ऑयल गरम कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल ऑलमोस्ट गरम हो चुका है, तो इसमें अब हम पूड़ियां डाल देते हैं। और ऑयल गरम हो चुका है, तो इसमें अब हम पूड़ियां डाल लेते हैं और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और जो फ्राई हो जाएगी उसे निकाल लेंगे, बाकी भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। और ये हमारी पूड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं, मसालेदार आलू की पूड़ियाँ, और बहुत ही टेस्टी होती हैं खाने में। आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ, दही के साथ, या फिर कोई भी सब्ज़ी के साथ आप खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी होती हैं खाने में।
बहुत ही जल्दी बन भी जाती हैं और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सी बनी है, फुली फुली बनी है। और अगर अच्छी लगी हो रेसिपी आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बताइएगा कैसी बनी। वैसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ में मिलती रहूँगी। और इसे कट करके भी दिखा देते हैं आपको कि कैसी बनी है और कैसी फीलिंग आई है इसकी। और बिल्कुल अच्छे से अंदर तक कुक हुई है और बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।